स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट 11 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 9 रहने वाला है, वॉल्यूम 8 जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहें तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मेनिनजाइटिस से निपटने के लिए कौन सा देश मेन 5CV बनाने वाला पहला देश है। ऑप्शन को खुद से देखा करिएगा और आंसर डिसाइड करिएगा। मेनिनजाइटिस से निपटने के लिए कौन सा देश मेन 5CV बनाने वाला पहला देश है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस जो है मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जाना जाता है और यह मस्तिष्क से रिलेटेड ही यह बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है। किस देश ने अगली पीढ़ी की सोडियम बैटरी विकसित की है, राइट आंसर दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। विगत के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन है। विगत के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन है, डी गुकेश, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, डी गुकेश। भारत का अंतरिक्ष संग्रहालय किस स्थान पर खोला गया है। भारत का अंतरिक्ष संग्रहालय कहाँ खोला गया है, तो यह खोला गया हैदराबाद में, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, और हैदराबाद में DNA फिंगरप्रिंटिंग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया गया है। ICC T20 विश्व कप 2024 का राजदूत किसे घोषित किया गया है, तो युवराज सिंह को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय एकाधिकार को समाप्त कर दिया। गौर करिएगा, एकाधिकार को समाप्त किया गया था पहली बार, तो राइट आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय का एक अधिकार को समाप्त कर दिया, तो पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली बार अगर पूछा जाता तो पहली बार समाप्त हुआ था चार्टर एक्ट 1813 के तहत आंशिक रूप से। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। गदर पत्रिका प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस अंक में प्रकाशित हुआ। गदर पत्रिका थी उसे किस भाषा में प्रकाशित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा उर्दू, ऑप्शन नंबर ए। सैन फ्रांसिस्को से यह प्रसारित होती थी। गदर पार्टी की अगर बात की जाए तो इसका गठन 1913 ईस्वी में किया गया था लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा, राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन किया गया था 1928 में, कहाँ किया गया, तो दिल्ली में, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिर्फ रहता HRA सिर्फ रहता तो इसका गठन किया गया था 1924 में और कहाँ किया गया था, तो कानपुर में, ठीक है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी का सदस्य नहीं था। खिलाफत कमेटी का सदस्य मोहम्मद अली जिना नहीं थे, जबकि हसरत मोहानी, मौलाना आज़ाद, मौलाना मजहरुल हक थे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की विरोध की थी। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं, मोहम्मद अली जिना ने ही इसका विरोध किया था, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर है 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। बताएंगे किस अधिनियम में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। 1929 का अधिवेशन, 1929 का अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ था, लाहौर में। अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, अध्यक्षता किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने 1934 बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने के किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राइट आंसर तेज बहादुर शप्रू। जिन्हें फास्ट करके देखना है तो वीडियो को फास्ट करके देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका है। बताइएगा 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किसका है, सुभाष चंद्र बोस का है। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो बम्बई से। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखा गया था। हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित होता था, 1909 में प्रसारित होना प्रारंभ हुआ, और यह जो है गुजराती भाषा में, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए।
हिंद स्वराज गुजराती भाषा में राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। यह लिखा गया था, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जा रहे थे तो जहाज पर ही इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, यह पत्रिका नहीं पुस्तक है, गुजराती भाषा में लिखा गया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। हाड़ मांस का शरीर किसने कहा था? तो आइंस्टीन ने कहा था। और हार्डिंग ने कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायन, न्याय दर्शन महर्षि गौतम। 1, 2, 3, 4। विजयनगर साम्राज्य की आय का सर्वप्रमुख कर को क्या कहा जाता था? विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे प्रमुख कर को क्या कहा जाता था? सिप्ट कहा जाता था। सिप्ट क्या कहा जाता था? सिप्ट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर है 20, विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्के नाम क्या थे? विजयनगर में स्वर्ण का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे बराह के नाम से। सिखों के शरण संप्रदाय खालसा पथ का प्रवर्तन किसने किया? खालसा पथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पथ की स्थापना 1699 में किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? 1895 पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान, यह जन्म लिया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत का ही है। मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य की जो चर्चा है भाग 4 के क में। और अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 51 का क। वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो सोवियत संघ से लिया गया है। 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत तपस मजुमदार समिति के सिफारिश पर। और वर्मा समिति जो है इसी से संबंधित है। वर्मा समिति कब आया था? 1999 में। मूल कर्तव्य के संचालन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? कर्तव्यों को निर्धारित करता है अनुच्छेद 149। कर्तव्य पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 149। हालांकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, आसान प्रश्न, 6 वर्ष के लिए। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। आज का प्रैक्टिस है ज़्यादा हार्ड है नहीं। राज का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? राज का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, बताइएगा कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया और 88 में भी किया गया है, जो कि भारत का उच्चतम विधि अधिकारी होता है और उसी का सहयोगी सॉलिसिटर जनरल होता है। एडवोकेट जनरल की चर्चा अनुच्छेद 165 और 177 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आसान प्रश्न, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद अभी 6 राज्यों में ही है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यही 6 राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में किया गया है। मुद्रा स्वयं मुद्रा निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? राइट आंसर हो जाएगा क्रॉमर, क्रॉमर ने, क्रॉमर या फिर कोवर ने। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? राइट आंसर आरबीआई। एक रुपये का नोट अगर रहता, एक रुपये का नोट या फिर इससे कम सिक्का, तो वित्त मंत्रालय हो जाता। वही एक रुपये का नोट और सिक्का को छोड़ करके से सभी बड़े नोट या सिक्का को जारी कौन करता है? तो आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। एक रुपये का नोट और एक रुपये का सिक्का और इससे छोटे मूल्य का जो सिक्का है वित्त मंत्रालय के द्वारा, और बाकी सारे सिक्के आरबीआई के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, भुगतान संतुलन चालू खाते पर। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है, भुगतान संतुलन चालू खाते पर। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आसान प्रश्न, मुंबई। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई है। बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, वो भी आसान प्रश्न ही थे। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1985 में। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आते हैं। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि होती है? मध्यकालिक कृषि ऋण की अवधि 15 माह से 5 वर्ष। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? तो राइट आंसर हो जाएंगे डाकघर से। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना विधि के दौरान हुआ? भारत सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, प्रथम स्थान पर चीन आता है। तंबाकू अगर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना 1970 में की गई थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस के द्वारा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र है। इस कारण से ही शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा बहन भी कहा जाता है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है बताइएगा? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? तो वैशाल चट्टान से हुआ है, जो कि आग्नेय चट्टान का ही यह चट्टान है, प्रकार कह सकते हैं, जैसे कि हो गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा 18 देश से होकर के गुजरती है, जिसमें म्यांमार, बांग्लादेश, चीन से होकर गुजरती है, नेपाल से होकर के नहीं गुजरती है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत अवसादी सेल से ढका है? अवसादी सेल से ढका हुआ है 75%। ए और बी दोनों हो जाएंगे, दोनों में एक ही ऑप्शन डाला गया है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला जो है यह अवसादी चट्टान में या फिर परदार चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, एलमिस्ती ज्वालामुखी किस देश में है? एलमिस्ती ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में है। ओजेस डेल सलाडो कहाँ है? तो यह चिली में है। एटना विसुवियस स्ट्रॉम्बोली कहाँ है? तो इटली में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शुष्क वन अनुसंधान या कहाँ है? तो जोधपुर में। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है किस नाम से? तो राइट आंसर हो जाएंगे खादर, पुरानी हो जाएंगे बांगर। और काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। कलर या रेह मिट्टी जो है यह कहाँ पाया जाता है? तो पंजाब में। सबसे अधिक दाल उत्पादक राज्य कौन सा है? दाल उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? प्रथम विद्युत ट्रेन मुंबई से कुर्ला के बीच 1925 ईस्वी में, और पहली बार मुंबई से थाने के बीच में 1853 में चली थी, 16 अप्रैल 1853 लॉर्डल हाउजी के समय। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक साहब का जन्म 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। पाकिस्तान में जन्म हुआ है, पाकिस्तान के तलवंडी नामक जगह पे। शतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
जिसे नानका शाह भी कहा जाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सतरिया, सनिया नहीं होगा, सतरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएंगे असम। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? अजंता की चित्रकारी में जातक कथा की चर्चा किया गया है, उसी को निरूपित किया गया है। जातक कथा में है क्या? तो बुध के पूर्व जन्मों की कहानी का चर्चा किया गया है। शंबे का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ऊर्जा या फिर कार्ज का हो जाएगा जूल। बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह हो जाएगा बल का। एम्पियर किसका? तो विद्युत धारा का है। पी इक्वल टू होता है एम भी। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर या फिर रेखीय संवेग संरचना सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि तीव्रता के डेसिबल से अधिकतम सीमा के ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। ध्वनि तीव्रता के डेसिबल से अधिकतम सीमा के ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो 85 डेसिबल के ऊपर के ध्वनि को व्यक्ति सुन नहीं सकता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालियाँ किस कारण होती हैं? प्रकीर्णन के कारण। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रक है? फोटोन प्रकाश का है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, तड़ित चालक बनाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएंगे तांबा का। तड़ित चालक जो है, तड़ित चालक की खोज किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। विपरीत आवेश की भी खोज की थी, ड्यू फॉक्सी लेंस की खोज की थी। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, सूर्य जो है नाभिकीय सलयन या फिर हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय सलयन पर ही आधारित है। टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है? टीवी रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड तरंग पे। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। किसी कंप्यूटर में बग क्या होता है? बग जो है यह एरर होता है। किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? आसान प्रश्न, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है भाई, इसके तीन समस्थानिक होते हैं, यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया। निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है ग्रेफाइट जो है यह मिश्रण नहीं है, जबकि कांच पीतल इस्पात यह सब मिश्रण के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोजिट्रॉन है। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बनता होती है? क्लोरीन का, उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O और यह भी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होती है। कितनी होती है? 46%। प्रयोगशाला में प्रथम संश्लेषित यौगिक कौन सा? तो यूरिया ही है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सा है? कृत्रिम रूप से एसिटिलीन, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। इसे वेल्डिंग में भी प्रयोग करते हैं। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद कौन करता है? तो एथिलीन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाले गंध का कारण है? मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध या जो है अमोनिया, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया के कारण। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो 0%। डीएनए की अति मूल प्रोटीन कौन है? डीएनए की अति मूल प्रोटीन कौन सा है? तो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फूट एंड माउथ रोग का कारण है? फूट एंड माउथ रोग जो होता है यह विषाणु के द्वारा होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएंगे नागपुर। आरवीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? आरवीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है या फिर तिल्ली को कहा जाता है। किस विटामिन का नाम टेकोफेरॉल है? टेकोफेरॉल विटामिन ई का नाम है, विटामिन ई का नाम है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है?
सोरोलॉजी के अंतर्गत छिपकली का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में जल जो है यह कितना परसेंट? तो 70% होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड एस्टिनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड एस्टिनर ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो बाइजन ने की थी। और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। खसरा रोग का कारण है, खसरा जो है विषाणु से होने वाला रोग है। हाल ही में यूरेनियम के खोजे गए समस्थानी को पहचाने, यूरेनियम के खोजे गए समस्थानी कौन सा है? तो यूरेनियम 241 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना। भारतीय श्रमिक के लिए बीमा योजना किस देश में शुरू की गई है? भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना किस देश में शुरू की गई है? UAE। खुबानी लिखना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? लद्दाख में। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभियान 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया था नई दिल्ली में। जिग वई स्वर्ण संवर्धित मुद्रा किस देश के द्वारा जारी किया गया? जिम्बाब्वे के द्वारा। अब है क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। प्लीज डोंट, यहाँ पे क्या फील होगा? प्लीज डोंट टेल एनी वन दैट 9 केम टू योर बर्थडे पार्टी। तो चलिए 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ, आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोग बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में कौटिल्या जीएस का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 हम लोग देखने वाले हैं। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 9 यह रहने वाला है। वॉल्यूम नंबर 9 का सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट यह है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन को खुद से देखा करिएगा। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होगियो डी ब्रिज ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। वही हैक्सले से भी ध्यान रखिएगा, हैक्सले ने जीव द्रव के बारे में कहा था कि जीव द्रव जो है जीवन का भौतिक आधार है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वही लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत दिया था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। डार्विन ने कहा था कि विकासवाद या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत इसने दिया है। वही लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत और होगियो डी ब्रिज ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, कोलेस्ट्रॉल है एक, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कीटनाशी है, विटामिन है, एस्टेरॉयड है या फिर एंजाइम है? कोलेस्ट्रॉल है क्या? तो यह एक प्रकार का एस्टेरॉयड है। क्या है? एस्टेरॉयड है। क्वेश्चन नंबर 3, रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गौर करिएगा, रुधिर वर्णिका के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें लौह पाया जाता है, बिल्कुल। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, जी हाँ। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, कतई नहीं। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह कार्य करता है WBC ना कि RBC। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ऑक्सीजन का वहन करने का कार्य करता है, बिल्कुल। 1, 2, 4 सही दिया गया है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन नंबर डी को सुधार कर लेते हैं, 3 को कट कर देते हैं और यही आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शताब्दी 8वीं के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सुधार करिएगा, कौन जो है 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं दिया गया है? वही शंकराचार्य है जिनका जन्म जो है केरल में हुआ था और 4 मठों को स्थापित किया था चारों दिशाओं में। तो चलिए ऑप्शन पे आते हैं, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, जी हाँ। उन्होंने बौद्ध तथा जैन क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगाई है, सर के अनुसार। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, वेदांत का प्रसार तो किया ही, लेकिन इसका जो राइट आंसर सर के द्वारा बताया गया है, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह क्या है? गलत है, ठीक है। 4 मठ चारों दिशाओं में स्थापित किया गया था, उत्तराखंड में, उड़ीसा में,
और कर्नाटक में वही श्रृंगेरी, कर्नाटक में श्रृंगेरी, और फिर गुजरात में, गुजरात के द्वारका में, और फिर ज्योतिषमठ उत्तराखंड में, और उड़ीसा के पुरी में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएंगे अकबर शाह द्वितीय। अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय वही है जो कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था। इसका जो शासनकाल है 1806 से लेकर के 1837 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस संयुक्त अभ्यास किया? मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस जो है भारत और अमेरिका के बीच, याद रखिएगा, याद नहीं है तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। प्राचीन भारत में निस्क से जाने जाते थे, निस्क जो है स्वर्ण आभूषण, गले का आभूषण होता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। अघन्या गाय के लिए प्रयुक्त किया जाता था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इन्हीं के दामाद या फिर जमाई कौन? जमाली। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, कम समय में कंप्लीट मैं करवाऊंगी, ज़्यादा टाइम लूँगी नहीं, इससे आप लोग का भी समय बचेगा और साथ साथ नेट का भी बचत होगी। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम ऋषि ने, गौतम ऋषि। वही चवार्क ने चवार्क दर्शन से संबंधित हो जाएंगे। कपिल शाख दर्शन का प्रतिपादन किया था, शाख दर्शन किसका है? तो कपिल मुनि का है। जैमिनी पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा किसका है? तो जैमिनी का है। वही उत्तर मीमांसा वादरायन, और फिर वैशेषिक दर्शन किसका है? तो वैशेषिक दर्शन हो जाएगा कनाद का, कनाद का, और पतंजलि का हो जाएगा योग दर्शन। छह दर्शन भी निकल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं किसके सन्निकट स्थित हैं? बताइएगा सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए किसके सन्निकट स्थित है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा दतिया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या, ऐसे भी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, दतिया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से दिया गया है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 224, बाकी खुद से सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 544। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर है? विक्रम संवत यह कब लाया गया था? यह लाया गया था 57 ईसा पूर्व, और शक संवत 78 ईस्वी में लाया गया था, एडी में लाया गया था। यह किसके द्वारा लाया गया था? तो कनिष्क के द्वारा लाया, कनिष्क वही कुषाण शासक, और विक्रम संवत जो है विक्रमादित्य ने लाया था जो कि मध्य प्रदेश के राजा थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों में कितना अंतर है? तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 57 और फिर 78। बीसी से जब एडी में आते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जी, 7 7 14 1 15 7 5 12 1 13, 135 वर्ष का अंतर हो जाएगा। जब भी बीसी से एडी में आना हो तो क्या करिएगा, जोड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ईसवी सन के पूर्व के कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो दिया ही था, इसके साथ साथ अशोक ने भी, रुद्रदामन यह नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर सर के द्वारा बताया गया 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन के बारे में सर नहीं बताए हैं, ठीक है, इसका आंसर उसे मैं नहीं रख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजा संबंध थे कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलाडेल्फस या कहाँ का शासक था? तो यह हो जाएगा मिस्र का। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता प्राप्त किया है? मान्यता दे दिया है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन तीनों ने, उपरोक्त एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। ये सब लास्ट में दिया रहता था लेकिन आप लोग जो है इससे नहीं देखते होंगे शायद, इसका आंसर ही क्वेश्चन को आगे डाल दिया गया है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग ये सब को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट ईयर आई हैड बीन ट्रैवलिंग टू जापान। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं?
पृथ्वी की आयु जानने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। वही कार्बन डेटिंग के द्वारा कार्बन C14 के द्वारा जीवाश्म की उम्र का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन पे गौर करिएगा। वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है जी? तो धीरे धीरे। आज तेज बारिश हुई, कैसे बारिश हुई? तेज बारिश हुई। तुम्हें कम बोलना चाहिए, अब उठ भी जाओ, इसमें कौन क्रिया विशेषण नहीं है? तो सर के द्वारा इसका जो राइट आंसर बताया है, तुम्हें कम बोलना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन सी बताया गया। एक बार कंफर्म इसे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे वराह मिहिर। वराह मिहिर के पुस्तक का नाम है वृहत संहिता। किसकी पुस्तक है? वराह मिहिर की है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वही शून्य किसने दिया है? तो आर्यभट्ट ने। पाई कमान आर्यभट्ट। ब्रह्मगुप्त भारत का न्यूटन कहा जाता है। इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने का क्या कहा था? तो वर्ष में एक मेढक के टटराने से कुछ नहीं होने वाला है, इन्होंने ही कहा था कांग्रेस के बारे में। अरविंद घोष ने क्या कहा था? कि यह जो है भीख मांगने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? यह सुरक्षा कवच है। विपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? याचना करने वाली यह संस्था है। इसका राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। मेरी इच्छा है कि मेरे रहते ही यह कांग्रेस जो है समाप्त हो जाए, यह किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है। अल्पसंख्यक से तुलना किया था कि अल्पसंख्यक लोगों का यह संस्था, या किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने। हालांकि लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? वंदे मातरम। राइट आंसर हो जाएगा बंग भंग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था 1905 में। किस कारण से? तो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया गया था। और स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हो गया था? तो 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सभी के बारे में तो जानते ही होंगे। श्रमण अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 हो जाएगा, जो कि समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौराचौरी हत्याकांड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथनों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। जी हाँ, सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। जी हाँ। 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की। जी हाँ। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे? नहीं, प्रथम कानून मंत्री थे, ना कि सुरक्षा मंत्री। सुरक्षा मंत्री तो बलदेव सिंह थे। एक दो तीन ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर है 25। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। कब की थी? 1957 में। अशोक मेहता समिति 2। और यह कब की थी सिफारिश? 1977 में। जी वी के राव समिति यह लाया गया था 1985 में। और यह 4 स्तरीय की बात कही थी 1985। और वही एल एम सिंघवी समिति 1986। और एल एम सिंघवी समिति के सिफारिश पर ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति 1977 में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। जी वी के राव समिति 1985। एल एम सिंघवी समिति 1986। इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए तो 6 माह में। आज थोड़ा डिस्कशन भी करवाते चल रही हूँ, आज मेरे पास टाइम है और मेरा तबीयत पहले से काफ़ी सुधार भी है।
हाल ही में किस देश ने 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश जापान बन गया है। कौन बन गया है? जापान। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, हालांकि वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। कब लाया गया था? 1963 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा G.V. महावलंकर के खिलाफ, ऑप्शन नंबर B। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, तो राष्ट्रपति में ही। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? भारतीय संविधान अध्यक्षनात्मक है? नहीं। अध्यक्षनात्मक कहाँ है? तो अमेरिका में है। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है? जी नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है? यह भी गलत है। भारत एक संस्थात्मक प्रजातंत्र है? 100% करेक्ट, राइट आंसर D हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व कौन करता है? तो स्पीकर करता है। कौन? स्पीकर। अनुच्छेद 108 के तहत ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अगर वो ना रहे तो उपाध्यक्ष करेंगे, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं रहे तब राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, ना कि सभापति करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आगे आइए। केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। उच्चतम न्यायालय ने संविधान की मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से संबंधित, आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, आंसर हो जाएगा B-19। गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है? गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था ताज निकलने की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर A। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? 12 जुलाई 1982 को गठन किया गया था और यह है नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। RBI का पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, पुनर्गठन 1 जनवरी 1949 को किया गया था। हीरोइन प्राप्त होता है? हीरोइन, वो वाले हीरोइन नहीं, खाने वाले हीरोइन, अफीम पोस्ता से, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर B, अफीम पोस्ता से, हीरोइन मार्फिन। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु किस योजना को शुरुआत किया गया है? तो एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू किया गया है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया, बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, चमड़ा उद्योग से। 40वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग। स्वचालित वाहनों प्रदूषण नियंत्रण हेतु CNG में मुख्यतः उपस्थित होते हैं? CNG में होता है मीथेन, CH4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे CH4। जुगाली करने वाले पशुओं में, जब पशु जो है जुगाली करते हैं उससे भी मीथेन निकलता है। जहाँ पे आर्द्रता रहता है, आर्द्र भूमि जिसे कह लीजिए, वहाँ से भी मीथेन निकलता है, धान के खेत से मीथेन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? आखिर लिंगानुपात इतना कम क्यों है? इसके कारण बताना है, उच्च मातृ मृत्यु दर, यह भी है उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिका भ्रूण हत्या, यह भी कारण है। बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म भी, यह एक कारण है। 1, 2, 3 चारों हो जाएगा। भारत में जनसंख्या में 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही? सर्वाधिक वृद्धि जो हुई थी 10 की वृद्धि 1991 से 2001 के दौरान, राइट आंसर D। चलिए आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर पे आते हैं। हाल ही में लाई चिंग ते को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? और यह किसी एग्जाम क्या कह लीजिए, बिहार पुलिस में ही पूछा गया यह क्वेश्चन है। लाई चिंग ते ने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया? तो ताइवान। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो है यह वायु में नहीं पाई जाती है, लेकिन जब भूकंप आती है तब रेडॉन गैस निकलना प्रारंभ हो जाता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद आपका आ जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ, मिला लीजिएगा। आंसर हो जाएंगे बी, 7.3/7। 47वां प्रश्न, आंसर हो जाएंगे 2। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, वही अंडमान को म्यांमार से अलग कोको चैनल करता है। कोको चैनल निकोबार को सुमात्रा से अलग कौन करता है, तो ग्रेट चैनल। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग कौन करता है, तो 8 डिग्री चैनल। मिनिकाय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकाय जो है लक्षद्वीप का ही द्वीप है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, अफगानिस्तान तो है ही, लाओस भी है, लग्जमबर्ग भी है, जबकि लाइबेरिया नहीं है। एक बार स्थल अवरुद्ध देश पढ़ लीजिएगा, जो भी देश है उसे एक बार इकट्ठे करके याद कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि असल अवरुद्ध देश से क्वेश्चन आते ही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार की तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन प्रैक्टिस शीट में यह क्वेश्चन हमेशा दिया रहेगा, चाहे वो ज्ञान बिंदु हो या फिर कौटिल्य हो। निम्नलिखित कथनों पर विचार की तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, जी हाँ। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक देश है, हाँ जी। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका देश का अग्रणी उत्पादक है, दूध का अग्रणी उत्पादक है, गलत है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, जी हाँ। 1, 2, 4 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मुहावरे का सही अर्थ क्या है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, स्वयं दोषी होते हुए भी निर्दोष को धमकाना, स्वयं दोषी है फिर भी दूसरों को क्या कर रहा है, धमका रहा है या फिर उस पर ब्लेम डाल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। शीतल धारा है वेंगुएला धारा, ब्राजील धारा, रैनल धारा, गल्फ स्ट्रीम, ऐसा तो गर्म है। बिहार में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइएगा। बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती असुमेध देवी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 54 पे आ जाइए, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, पंपास कहलाता है, जो कि अर्जेंटीना में पड़ता है। पेरिस का है तो अमेरिका में है, स्टेपिज रूस में है, और सिल्वास अमेजन नदी घाटी में मिलता है। मोनालॉय एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह हवाई द्वीप का है, और हवाई द्वीप पर अधिकार किसका है, तो अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। टॉर्नेडो जो कि कीप के आकार का होता है टॉर्नेडो एली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मैदान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, इसका राइट आंसर बी होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चिनुक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाले पवन है, सही है। सिरॉक को इटली में बहने वाली पवन है, इटली कर लीजिए। ब्लिजर्ड चिली, नॉर्वेस्टर भारत, ब्लिजर्ड जो है चिली नहीं, साइबेरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गलत दिया गया है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसे विसर्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विसर्प, मेरे ख्याल से विसर्प ही होना चाहिए, हाँ विसर्प ही दिया गया है, या फिर इसी को मिनांडर कहेंगे, या फिर इस आकार की घाटी। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ चरवाह नहीं है। कजाक, लैप, मसाई, ये सब घुमक्कड़ चरवाह जाते हैं, जो कि पिग्मी नहीं है। हाल में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था रोटरडम में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अनाई मोदी है, अनामलाई की अनाई मोदी। दूधा बेटा किसका है, तो यह हो जाएगा आपका नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दूधा बेटा ही है। गुडविल पीक किसकी चोटी है, तो यह हो जाएगा विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडविल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। खनिज पाया जाता है सर्वाधिक, यह पाया जाता है धारवाड तंत्र में, जबकि कोयला जो है गुडवाना तंत्र में। ADKVG, इसे याद रखिएगा, सबसे पुराना आर्कियन। डी से हो जाएगा धारवाड़, के से हो जाएगा कुडप्पा, भी से हो जाएगा विंध्य, और जी से हो जाएगा गुडवाना। सबसे नवीनतम कौन सा, तो गुडवाना है, ADKVG। नेक्स्ट है रीजनिंग से संबंधित, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आसान प्रश्न है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है।
जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी पृथ्वी को यहाँ रख लेते हैं तथा तो चंद्र के बीच का कोण होता है, बताइएगा क्या कौन सा कोण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री का, ऑप्शन देंगे बी। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों ने संरक्षण दिया था जैन धर्म को। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है, बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ है? दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री में, गोवा में या फिर मैत्री में। मैं टाइम भी देती हूँ, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो गया होगा। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र अवस्थित है तो गोवा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है, बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु, नमी की मात्रा हेतु, उपरोक्त सभी हेतु। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र निम्न से कौन सा है? अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा महासागर, महासागर। सबसे तेजी से घटने वाला पारिस्थितिक तंत्र कौन सा? तो मरुस्थल है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, सिंपल सी बात है, कौन से अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो 1949 के त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी। जब महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, इस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1949 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की कांग्रेस से अलग होकर के, हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। तहसीला विश्वविद्यालय स्थित है, तहसीला विश्वविद्यालय यह हो जाएगा पाकिस्तान में, राजा तश ने इसकी स्थापना की थी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइएगा? पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बैंकॉक। फयान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य था? फयान, इसके पुस्तक का नाम है फो क्यू की, और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। इसका जो राइट आंसर चले तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना, राइट आंसर हो जाएंगे सी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की गई थी, उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम इसे दिए गए कुट से पता कीजिए। सबसे पहले तो हैदराबाद को ही मिलाया था, सहायक संधि पर हस्ताक्षर हैदराबाद के निजाम ने किया था, कब किया था? तो 1798 में। फिर 1799 में मैसूर ने हस्ताक्षर कर दिया, 1800 में किसी ने नहीं, 1801 में अवध ने कर दिया हस्ताक्षर 1801 में। फिर 1803 में सिंधिया ने हस्ताक्षर किया, तो क्रम से ही दिया गया, 1 2 3 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि कलीम। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर वदायूनी, अब्दुल कादिर वदायूनी। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन आई थिंक किसी स्टेट में पूछा गया था और यह घटना चक्र से उठा करके दिया गया है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, तो यह जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें बाल गंगाधर तिलक कतई नहीं होगा, तो देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक का नाम कहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और डी में भी नहीं है, सी और डी दोनों में नहीं है, लेकिन नौरोजी नहीं होगा, मेहता तिलंग त्यागजी, नाम याद रखिएगा, मेहता तिलंग त्यागजी को ही बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, और ऑलरेडी हमने करवाया भी था जब ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे तब। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? कामागाटा मारू घटना से बाबा गुरदीप सिंह। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, क्योंकि एक बार फिर से, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा क्योंकि, ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएंगे इसका अपराध के अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 की अवधि में भारत की औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग कितनी रही है? 2.4%। यूनानी दूत मेगासेंस किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सेल्कोस निकेटर का यह दूत था और यह इंडिका पुस्तक रचना की थी
समाज को 7 वर्गों में बांटा था। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। औरंगजेब ने किस वर्ष अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? बताइएगा। 1702 ईस्वी में अजीमाबाद नाम कर दिया था। आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? आधुनिक बिहार के जाने के लिए फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट है, फोर्ट विलियम इंडिया हाउस कोरेस्पोंडेंस से उपरोक्त सभी हो जाएंगे जी। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ? सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2016 को। बिहार राज्य में कहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है? बॉक्साइट का उत्पादन खड़गपुर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जायद की फसल उगाने वाले सिंचाई वाले जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? कहाँ पे जायद फसल की कृषि नहीं होती है? तो दरभंगा में तो होती है, मुजफ्फरपुर, सहरसा, क्योंकि यहाँ सुविधा है सिंचाई का, लेकिन बांका में सुविधा नहीं है, जो कि दक्षिणी बिहार में आता है, ऐसे ही सुखाड़ पड़ा रहता है। जनगणना 2021 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम है, वो भी घटते क्रम में बताना है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, उसके बाद सारण, सारण के बाद किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, किशनगंज। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड सेलिब्रेट का बताना है। राइट आंसर हो जाएगा डिसग्रेस। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य की सबसे छोटा जिला है? सबसे छोटा जिला शेखपुरा, लेकिन शेखपुरा का नहीं, शिवहर का जनसंख्या घनत्व काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। भारत विभाजन के संदर्भ 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने की थी 17 अगस्त 1947। भारत विभाजन के संदर्भ में हो गया। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? बताइएगा, नर्मदा। अरावली और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला कहते हैं यमुना को, बहुत ही गंदा, देखने में तो लगता है कि नाला ही है। 20 सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? 20 सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एकीकृत इस्पात संघ, जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इस्पात संयंत्र के अंतर्गत नहीं आता, तो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर में टिस्को, दुर्गापुर, ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई, रूस के सहयोग से, राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत्र उत्पादित करता है? कर्नाटक, कर्नाटक। नीचे दिए गए कुट से अधोलिखित महाद्वीपों के क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनिए। देखिए जी, पहले नंबर पे तो एशिया आ जाएगा, दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ जाएगा, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पे दक्षिण अमेरिका, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पे यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। निम्नलिखित में से क्या इंगित का क्या अर्थ नहीं है? इंगित का क्या अर्थ नहीं है? इंगित का मतलब होता है इशारा करना, संकेत करना, अभिप्राय होगा, अवस्था नहीं होगा। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा जिसके उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? काली धारा कहते क्यूरोशियो धारा को, क्यूरोशियो जो कि प्रशांत महासागर की यह धारा है। और लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया तो लाइक भी करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। भारतीय संविधान के 6 अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो 4 राज्यों से संबंधित है। 4 राज्य कौन कौन सा है तो याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम तो है नहीं, लेकिन त्रिपुरा मिजोरम दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम को भी शामिल कर लीजिए। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है तो 12 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।
फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में कौटिल्या जीएस का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 13 देखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने कई सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, चाहे तो आप लोग रिवीजन के तौर पर प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पे सीधे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑप्शन को खुद से ही देखा करिएगा और आंसर डिसाइड करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, राख का टीला निम्नलिखित किस नपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राह का टीला का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगन कलू से। संगन कलू है का तो यह कर्नाटक में है। महादहा से पशुवाड़ा का शासन मिला है। बुर्जहोम से गर्तावास जो कि जम्मू कश्मीर में है। कोलडिहवा से धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया? लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया, तो यह प्रदान किया गया था नोवाक जोकोविच को। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, तो यह कहा गया है जी अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से मौर्यों के नगर प्रशासन का विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता है? गौर करिएगा, नगर प्रशासन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। कौटिल्य की अर्थशास्त्र से हमें जानकारी क्या प्राप्त होता है? तो राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वही नगर प्रशासन, समाज, यह सब के बारे में जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से ही प्राप्त होता है। विशाख दत्त का पुस्तक का नाम है मुद्रा राजा, जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि लिखा गया था गुप्त काल में, और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का यूज किया गया था। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई है? करेंट अफेयर से नेप्टिस फिलारा कहाँ खोजी गई है? ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर असम। नेप्टिस फिलारा जो कि तितली की दुर्लभ प्रजाति है, यह खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित साहित्य के शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? अमरकोश। अमरकोश के लेखक हैं अमर सिंह। अमर सिंह यह गुप्त काल में ही लिखा गया है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के लेखक हो जाएंगे वात्स्यायन। वात्स्यायन मेघदूत के तो कालिदास हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के अभी हमने बताया विशाख दत्त। विशाख दत्त का और एक पुस्तक का नाम है देवी चंद्र गुप्तम। आगे बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, चारों के चारों गुप्त काल में ही लिखा गया था। कई सारे लोगों का कमेंट आता है पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ के लिए मैं बता दूं कि मैं कम समय के लिए कभी भी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाले हैं, थोड़ा रिस्क है इस कारण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस राज्य में आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था? आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के जयपुर में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख साक्ष्य मिलता है? भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेख का साक्ष्य हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से, जिसे गरुड़ ध्वज अभिलेख भी कहते हैं। अस्कन गुप्त का भित्री स्तंभ लेख से हुन आक्रमण के विफल के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। हुनों को विफल किसने किया था? अस्कन गुप्त ने। मेहरौली स्तंभ लेख यह किसका है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है। जहाँ पर कुतुब मीनार है वहीं पर मेहरौली स्तंभ अभिलेख स्थित है। आगे है, अशोक का रुमंदी स्तंभ संबंधित है? अशोक का रुमंदेई स्तंभ यह जो है लुम्बिनी में है, और यह सबसे छोटा अभिलेख है। इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो बुद्ध का जन्म हुआ था। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया के बोध गया में ही। बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ में बुद्ध के शरीर का त्याग कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कुशीनगर अशोक जो है अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया था? तो 10वें वर्ष से गया था बोध गया। राजाभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया गया था। 12वें वर्ष निगाली सागर गया था। 20वें वर्ष राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी यात्रा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? मछलियों एवं मत्स्य उत्पादों के वैश्विक निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो गया है? निर्यात में पूछा जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। सेमुक न्यूनमन से किसका संस्थापक था बताएंगे? सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे, सिमुक। और वही चोल वंश की बात की जाए तो चोल वंश एक तो संगम काल में था, संगम काल में अगर बात करें तो तीन शासन काल चल रहे थे, एक था चोल, दूसरा था चेर, तीसरा था पांडे। तो उस समय चोल वंश संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय राजधानी याद रखिएगा। ऐसे तो चोल वंश संस्थान विजयालय है, लेकिन उस समय संगम काल के बारे में पूछा जाता है कि उस समय राजधानी कहाँ थी, तो उदयपुर को बनाई गई थी, ठीक है। चेर वंश जो कि केरल में प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी वजी या करूर थी। पांड वंश की राजधानी मदुरे थी, और तीनों संगम का आयोजन जो किया गया था पांड के ही नेतृत्व में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि अपने बिहार के भागलपुर में अवस्थित है, इसका संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह ब्रजयान शाखा के लिए प्रसिद्ध था, ब्रजयान शाखा के लिए प्रसिद्ध था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो गोपाल ने, जो कि कहाँ है? बिहार शरीफ में। और यह जो है महायान शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवे निर्मल से किस वंश से संबंधित है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कलिंग नरेश खारवे निर्मल से किस वंश से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा चेदी वंश से। हाथी गुफा अभिलेख जो है राजा खारवेल का ही है। ग्राम मानचित्र किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ग्राम मानचित्र किस वर्ष लॉन्च किया गया था? राइट आंसर 2019। इतिहासकार बदायूनी ने किसके मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? आसान प्रश्न ये भी है, ज़्यादा हार्ड आज का प्रैक्टिस सेट है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई है। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। आज थोड़ा मैं आराम आराम से चल रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों का कमेंट आया था कि बहुत ज़्यादा फास्ट आप करवा रही हैं, इसलिए आज मैं स्लो ही करवाऊंगी। अगर जिन्हें फास्ट करके देखना है तो देख सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आया था मोहम्मद गजनवी 1001 से लेकर के 1027 के बीच। उसके बाद मोहम्मद गौरी, सबसे पहला आक्रमण 1175 में किया था और प्रथम बार प्राजेय इसको देखने को मिला था 1178 में। इसके साथ 1191 को भी याद रखिएगा, 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय को पराजित, माफ करिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, ठीक है। उसके बाद आया था कौन? चंगेज खान, 1210 से लेकर के 1221 इसका रहा समय रहा है। तैमूर की बात की जाए तो यह तो आया था 1398 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी। एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, हालांकि मैंने आंसर जो बताया वो सही है। चंदावर का युद्ध भी लड़ा था 1194 में, किसके साथ? तो गढ़वाल के शासक थे जयचंद, जयचंद को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां। ज्यादातर करंट अफेयर्स 2023 से ही दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से भारत ने सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की है? टेस्ट क्रिकेट में रनों की दृष्टि से भारत ने सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, हालांकि ब्रह्म समाज से ही अलग हुए हैं सब 1866 में। और केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज से देवेंद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस का समझ हो जाएगा साधारण ब्रह्म समाज से। वही राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग से संबंधित है, इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। आंसर हो जाएंगे ए। 21वां प्रश्न, इसका भी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। हालांकि मैं PDF डाल दूंगी लेकिन वो कम समय के लिए रहेंगे। 22वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है? फारस की खाड़ी का सीमावर्ती देश नहीं है, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या सब है, जबकि यमन नहीं है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। सोलन में क्या है? तो मशरूम अनुसंधान केंद्र, मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सोलन में है। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। हैदराबाद में इरडा का मुख्यालय है, IRDA। DNA फिंगर प्रिंटिंग कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और भी कई सारे हैं जिसे मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। आप लोग देखिएगा कौन कौन से अनुसंधान है और कहाँ कहाँ अवस्थित है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब की बात हमने कर ही ली, आगे बढ़ते हैं। बैल या भेड़ अनुसंधान अगर पूछा जाए कि भेड़ या बैल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा अंबिका नगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान पूछा जाए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, तो आनंद हो जाएगा, जो कि कहाँ है, या गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भैंस अनुसंधान केंद्र या हिसार में, जो कि हरियाणा में है। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल में है। गौर करिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद, वह भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल, यह भी कहाँ है? तो हरियाणा में। पशु स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? तो यह जालंधर में है। पशु स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? तो यह जालंधर में है। कहाँ है? जालंधर में। टिड्डा चेतावनी केंद्र कहाँ है? टिड्डा चेतावनी केंद्र या कहाँ है? तो जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोरहट में। जोरहट में चाय अनुसंधान केंद्र है। कॉफ़ी का चिकमंगलूर हो जाएगा। जूट का बैरकपुर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। कपास का नागपुर हो जाएगा। वन अनुसंधान अभी हमने बात किया, देहरादून में है। नारियल का हैदराबाद में है। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तय हो जाएगा शिगर में। बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा हो जाएगा। फिर गेहूँ करनाल होगा। चावल कटक, दाल कानपुर, आलू शिमला। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी। दूध करनाल। चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर। मशरूम सोलन हो गया। चलिए यही सब था जिसे हमने एक बार में क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है। इडुक्की आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। दंडकारण्य अवस्थित है। दंडकारण्य के लिए ये ध्यान रखिएगा कि यह जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि हमेशा मध्य प्रदेश दिया रहता है। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में इसका विस्तार है, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? था फास्ट कर लेते हैं। जवाहर सागर या कहें तो राजस्थान, चंबल नदी पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, जो कि आंध्र प्रदेश में सही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक में है, ना कि केरल में है। तो आंसर तो सी ही हो जाएगा, जो कि गलत है। गांधी सागर यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र दो राज्यों में विस्तृत है? दो राज्यों में है पेच। पेच जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में विस्तृत है। कान्हा पन्ना यह सब कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मानस कहाँ है? तो असम में है। सरिस्का कहाँ है? तो राजस्थान में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विश्व में पूछा जाए तो इंडोनेशिया हो जाएगा। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही होती है? तो यह हो जाएगा असम। असम में होता है मूंगा रेशम। और मूंगा रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मंदीपारा में है। मंदीपारा जो कि कहाँ है? मेघालय में। बिहार में भी होता है, लेकिन टसर रेशम ज़्यादातर होता है, जो कि भागलपुर वाले क्षेत्र में, जो कि सबसे घटिया रेशम माना जाता है। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। निम्नांकित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार किसका है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा का। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न है, खनिज और शीर्ष उत्पादक राज्य दिया गया है। लौह अयस्क में नंबर 1 है उड़ीसा।
कर्नाटक सोना उत्पादन में हो जाएगा, राजस्थान तांबा उत्पादन में, अबरख आंध्र प्रदेश। 1, 3, 2, 4। नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश। 37वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुद से देख लीजिएगा। निम्नांकित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। 39वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। तकला मकान मुरसल अवस्थित है, बहुत ही फेमस नाम है तकला मकान, है कहाँ? तो चीन में। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर कहाँ? तो यह ईरान में है। मंगोलिया और चीन में गोभी मरुस्थल। आटे दाल का मालूम होना इस मुहावरे को पूरा करें, आटे दाल का भाव मालूम होना। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें जिसका जन्म बाद में हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? अनुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुज। नेक्स्ट है रीजनिंग से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा, खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेगा, आंसर मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर डी होंगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र को यमुना के नाम से जाना जाता है। जब दोनों मिल जाते तब उसे मेघना कहा जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइडेन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, संगठन का प्रकार महत्वपूर्ण लक्षण दिया गया है। एकल व्यापारी का हो जाएगा असीमित दायित्व सीमित कंपनी। साझेदारी का मतलब होगा कमजोर वर्गों की उन्नति। सहकारिता में आपका हो जाएगा, साझेदारी में कमजोर वर्ग की उन्नति नहीं होगा मेरे ख्याल से, साझेदारी संविदात्मक संबंध होगा। एक मिनट, साझेदारी का हो जाएगा आपका संविदात्मक संबंध, सहकारिता में कमजोर वर्गों की उन्नति होंगे, सार्वजनिक में हो जाएगा आपका जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। एक बार खुद से मिलाइएगा, इसका जो राइट आंसर प्राप्त होगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है क्या कहलाती है? MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। प्रथम संश्लेषित यौगिक कौन सा है? यूरिया ही है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है? अंगूर में पाया जाता है सर्वाधिक टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में ही नहीं, कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में। एक बार फिर से सुनिएगा, इमली, कच्चा आम, अंगूर, यह सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल आपका पाया जाएगा सेब में। सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा खट्टे फलों में पाया जाएगा। वही एस्टिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। 59वां प्रश्न, इसका राइट आंसर डी होंगे। टमाटर के लाल रंग का कारण है? टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। मिर्ची का लाल रंग कैप्सिनिन के कारण होता है। फूल का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। वही एंथोसाइनिन के कारण सेब का लाल रंग होता है। सुनहरा धान में प्रचुरता है? सुनहरा धान में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, गोल्डन राइस जिसे कहते हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने मान्यता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न देशों को उनके गेहूं उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। गेहूं उत्पादन के बारे में बताना है और अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, तो सर्वाधिक तो होगा चीन में, दूसरे नंबर पर अपना भारत आ जाएगा, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर रूस। 1, 2, 4 थे। ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल, यह भारत में रूस के सहयोग से बनी है, जी हाँ। इसका सफल परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 22 मार्च 2010 को किया गया था, जी बिल्कुल। इसके फ्लाइट प्रास 400 किलोमीटर, यह गलत है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बताएंगे BOD सर्वाधिक कहाँ पाया जाएगा? तो कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ध्यान रखिएगा कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य होगा, ना कि हरिद्वार एवं कानपुर के बीच। भूमंडलीय उपन की आशंका, वायुमंडल बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है,
भूमंडलीय उष्ण की आशंका होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए कि आशंका वायुमंडल बढ़ती हुई असाध्य के कारण बढ़ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की। इनमें से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण उत्प्रेषण, उत्प्रेषण पांच प्रकार के रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इनमें से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रतिबंधित नहीं है, गलत दिया गया है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी, नहीं। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यह सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, अध्यादेश राष्ट्रपति का जो जारी किया जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय को भी अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत जारी करती है, वही राज्यपाल भी अध्यादेश अनुच्छेद 213 के तहत जारी करते हैं जो कि विधायी शक्ति है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, कोई भी हो, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है अनुच्छेद 2 के तहत। इनमें से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, बताएंगे? अनुच्छेद 20 और 21 ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। देश में किसी विभाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, 19 का ई में कहिए कि। आगे बढ़ते हैं, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अवैध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार जो है, अवैध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का डी हो जाएगा, 19 के क्लॉज 1 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायिका रिजवान चौधरी बानिया को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, या किस देश के निवासी हैं? बांग्लादेश के। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, अनुच्छेद 148 लेकर 151। लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किया गया था। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से। इनमें से कौन एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? भारतीय वन सेवा है, भारतीय पुलिस सेवा भी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा भी है, जबकि भारतीय आर्थिक सेवा नहीं है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 312 में किया गया है अखिल भारतीय सेवा का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही क्या फील होगा? वही सूल की चुभन सह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र हो जाएंगे, व्हाइट पेपर होंगे। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है, समस्त कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित है तो राष्ट्रपति में, किंतु इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन या निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर टिक करती हूँ, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 48 सेकेंड। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, भारत सरकार के, किसके हैं? भारत सरकार के, अनुच्छेद 76। महान्यायवादी की बात हो रही है। भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। राज्य विधानसभा का निर्वाचन कौन संचालन करता है? राज्य विधानसभा का निर्वाचन या तो भारत का निर्वाचन आयोग ही संचालन करता है, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। MLA, MLC, MP, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यह सब का निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग ही करता है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? अनुच्छेद 368 के तहत भाग 18। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संशोधन निर्णय से किस कमेटी द्वारा किया गया था? LM सिंघवी समिति 1986 में आया गया था, इसी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया गया था 1992 में। बलवंत राय मेहता समिति, कल हमने बात किया था, 1957 में आया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी। JV के राव समिति 1985 में आया था,
या चार स्तरीय की बात की थी, अशोक मेहता समिति 1977 दो स्तरीय की बात की थी। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य चुनाव आयोग के द्वारा निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुए थे, ईरान में हुए थे। नम भूमि के लिए भारत के निम्नलिखित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से किन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। नीलगिरी को 2000 में मान्यता दिया गया था, नंदा देवी को 2004 में, सिमलीपाल को 2009 में। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ऐड कर लीजिए 4 को। वायु चिप में क्या होता है? आरएनए और डीएनए दोनों। एड्स विषाणु में होता है, एड्स विषाणु में आरएनए और प्रोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए और प्रोटीन होना चाहिए था यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया। कॉलरा जीवाणु के द्वारा, जॉन्डिस विषाणु के द्वारा। रुधिर अस्कंदर में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? विटामिन के। इटाइटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्त से होता है? इटाइटाई रोग कैडमियम से। पारा से मिनी माता रोग, तांबा से विल्सन रोग, सीसा से तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? हृदय के बिल्कुल बराबर। नाड़ी स्पंदन स्टेथोस्कोप। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? ब्लड प्रेशर को स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा। मदिरा के अतिशय सेवन से कौन सा रोग होता है? यकृत का सिरोसिस रोग। मदिरा पीने से पूछा जा रहा है तो सिरोसिस होगा, वही लोहा से हो जाएगा लिवर सिडोरोसिस। 88वां प्रश्न इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं या कहाँ होती हैं यह पूछा जा रहा है। सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं, जबड़े में। मौर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? मौर्य समाज की स्थापना 322 ईसा पूर्व में मौर्य के द्वारा हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार या किस राज्य प्रदेश ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिया है? जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है? जलवायु घड़ी यह लगाई गई है दिल्ली में, दिल्ली नई दिल्ली। भारत देश का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया यह अपना तो बिहार ही होना चाहिए, और बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से? सोमेश्वर की पहाड़ी होना चाहिए था। बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष? खैर का। लोकायन सिंचाई योजना बिहार में कहाँ है? लोकायन सिंचाई योजना ये कहाँ है? नालंदा में। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है? बिहार की अच्छी छवि का निर्माण एवं प्रचार प्रसार, भौतिक अधिसूचना में सुधार, बेहतर नागरिक सुविधाओं का विकास, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। लास्ट प्रश्न है 99 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ए लास्ट रहा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बिहार कब एक अलग प्रांत बना? 1912 में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बना था। तो चलिए 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही है कमेंट करके बताना चाहें तो बता सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कुछ समय के लिए PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग PDF भी प्राप्त कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैक पे। इस वीडियो में कौटिल्या GS का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पे ही आते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे शेयर भी किया करिएगा। फिलहाल ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हाल ही में पेटीएम मनी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन पे आप लोग गौर करिएगा। राकेश मोहन,
तन्मय मोदी, आलोक शुक्ला या फिर राकेश सिंह। पेटीएम मनी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश सिंह को। ऋग्वैदिक धर्म था। ऑप्शन को खुद से देखा करिएगा, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या फिर निवत मार्गी। अद्वैतवाद का मत किसने दिया था? तो शंकराचार्य ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञान अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? एक बार फिर से, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में अपने 5 मित्रों को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। हालांकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? ज़्यादा हार्ड है नहीं, बताएंगे। नहरों का जाल बिछवा दिया था फिरोज शाह तुगलक, लेकिन सबसे पहले नहर खुदवाने का कार्य किया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म तो करता ही है, हिंदू धर्म भी, इस्लाम भी, जबकि जैन धर्म नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर ली, अब हम लोग बात करने वाले हैं महाविनिष्क्रमण के बारे में। महाविनिष्क्रमण उसे कहेंगे जब महात्मा बुद्ध ने गृह को त्यागा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाता है और संबोधि जो है उनका प्रबोधन कहलाता है, उनका प्रबोधन जो है संबोधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, भारत ने किस देश के साथ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, नाइजीरिया बिल्कुल राइट आंसर है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था? किसके द्वारा कराया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों के द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। इनमें से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हेन स्वांग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हेन स्वांग। चोल शासक का नाम बताएं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की? उत्तरी भाग में पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर ए, जबकि पूरे श्रीलंका पर अधिकार किसने कर लिया था? राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को जीत लिया था और चोल का हिस्सा बना लिया था किसने? राजेंद्र प्रथम ने। हालांकि कुंतोतुंग प्रथम के काल में श्रीलंका जो है चोल से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑन हिल्स का उद्घाटन किया? स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किसने किया है? तो मणिपुर ने। हाल ही में किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता? भावी मेहता ने। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, बताएंगे। ऑप्शन को पहले देख लीजिए, पूरा ऑप्शन को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर का गोलकुंडा, किसनों के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें बरार हिस्सा नहीं लिया था। अहमदनगर का बीदर हो जाएगा लेकिन बरार हिस्सा नहीं लिया था। विजयनगर का शासक कौन थे? तो सदाशिव राव थे। डेटा ट्रैफिक के मामले में रिलायंस जियो विश्व का कौन सा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? तो पहला बन चुका है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्थापना किया गया था 1664 में, भारत कब आया था? तो 1668 में भारत आया था। स्थापना किया गया था किसके शासनकाल में? तो लुई चौदहवा के शासनकाल में। इसी ने कहा था कि मैं ही राज हूँ, हालांकि लुई सोलहवा ने क्या कहा था कि मेरा कथन ही कानून है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस में पूछा भी गया था, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया था 1793 में, बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि प्रणाली, यह भी सही है, 1798 में लाया गया था। सर जॉन सोर के समय आंग नेपाल युद्ध है, जो कि 1814 से लेकर के 16 तक चला था, यह गलत दिया गया है, सर जॉन सोर के समय नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत दिया गया था, लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? हाजिक उल मुल्क की पदवी किसने त्याग दी थी? हकीम अजमल खान ने, हकीम अजमल खान ने। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, कौन एक सुमेलित है बताइएगा? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह लड़ा गया था 1767 से लेकर के 1769 तक। इसमें हैदर अली की पराजित हुई थी, नहीं, इस समय हैदर अली की जीत हुई थी, यह गलत दिया गया है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था 1780 से लेकर के 1784 के बीच, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, गलत दिया गया है, हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, जो कि गलत है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर के 1792 के बीच में लड़ा गया था, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, यह भी सरासर गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि लड़ा गया था 1799 में, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हो गया, बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। पहला जो है मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कोई भी संधि हुई नहीं थी, क्योंकि इस समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी तो कहाँ? तो राइट आंसर हो जाएगा काबुल में। कब? तो 1507 में, ध्यान रखिएगा 1507 में। मिर्जा की उपाधि फरगाना में धारण की थी 1494 में, दिल्ली में 1527 में, 1527 में खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर बी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा एन सी केलकर को और साथ साथ आई वी सेन को, दो और चार बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? राइट आंसर हो जाएंगे लखनऊ अधिवेशन 1936। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था 1932 ईस्वी में, किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पूर्व नाम पूछा जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रीलंका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यह रीजनिंग से रिलेटेड है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मौना लोहा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मौना लोहा जो कि है हवाई द्वीप समूह का, और हवाई द्वीप पर अधिकार किसका है? तो यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर मैं ठीक कर देती हूँ, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? अगुलहास धारा जो कि गर्म जलधारा है और यह हिंद महासागर की है, दक्षिण हिंद महासागरीय धारा यह भी है, मुंजाम्बिक भी, जबकि वेगुएला धारा नहीं है। वेगुएला धारा यह ठंडी जलधारा है और यह किसका है? तो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर का। जी हाँ, बिल्कुल सही हमने बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? गोवा में तो एक ही दिख रहा है, दूधसागर जलप्रपात, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 29 नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, एटोनाम से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द हाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कर का मतलब होता है हाथ,
पानी का अर्थ होता है हाथ, बाहों का मतलब होता है हाथ, जबकि दंत का मतलब दांत होता है, कौन नहीं जानता। चलिए, भारत के निम्नलिखित उष्णकटिबंधीय चरणोजम को कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय चरणोजम को कहा जाता है रेगुर मिट्टी, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी जो है यूएसए का पेरेजी घास का मैदान, रूस का स्टेबिज और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड्स घास का मैदान। नेक्स्ट है समाचार पत्र और आरंभ करने वाले या फिर संपादक का नाम पूछा गया है, सीधे सीधे यही जान लेते हैं। लीडर का संपादक कौन थे, तो लीडर को हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, तो फिरोज शाह मेहता का है। इंडिपेंडेंट किसका है, तो मोतीलाल नेहरू का है। जस्टिस किसका है, तो टी एम नायर का है। 1, 2, 4, 3 बिल्कुल राइट आंसर है। बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें स्थित है तुंगभद्रा है कहाँ, तुंगभद्रा हो जाएगा कर्नाटक, राइट आंसर कर्नाटक। लोअर भवानी तमिलनाडु। इडुक्की परियोजना यह तो केरल में है, पेरियार नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4312 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 34वां प्रश्न है, इसे खुद से सॉल्व करिएगा, हालांकि मैं आंसर टिक कर दे रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य है, तो अपना बिहार है। हालांकि स्टेट और यूटी दोनों साथ में दे दिया जाए तब हो जाएगा दिल्ली, दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। 36 नंबर आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएंगे। निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सिपकिला दर्रा या हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। बड़ा लाचा दर्रा भी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा यह कहाँ, उत्तराखंड में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। लेखा पानी दर्रा रहता तब हो जाता अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला दर्रा रहता तब हो जाता अरुणाचल प्रदेश, या फिर दीफू दर्रा रहता तो हो जाता अरुणाचल प्रदेश। नाथुला और जलेपला कहाँ है, तो सिक्किम में है, बिल्कुल सही है। जो जिला दर्रा कहाँ है, तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड अस्तित्व में आया, नाबार्ड का गठन कब किया गया था, तो 12 जुलाई 1982। निम्नलिखित में से शुद्धवाक का चयन कीजिए, आप कब आए, आप कब आयो, आप कब आए, आप कब आया, तो दिख ही रहा होगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही लग रहा है और सही है भी। चलिए 40 नंबर प्रश्न रहा है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है तो भूमि विकास बैंक के द्वारा गठन 1988 में किया गया था। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। देखिए पहली बार अगर पूछा जाता कि पहली बार भूमि विकास बैंक का गठन कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। भूमि विकास बैंक जो पंजाब के झंग में शुरू किया गया था, हालांकि यह कार्य प्रारंभ किया था 1929 चेन्नई। अगर ऑप्शन हमें 1920 ना रहे, तो 1929 के साथ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, इसे ही आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किया गया था 1969 में किया गया था, 19 जुलाई 1969, याद रखिएगा। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था, 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था हजारी समिति के सिफारिश पर। क्लियर, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, बैंकों का नाम और मुख्यालय की स्थिति दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी मुंबई नहीं है, सिडबी का मुख्यालय तो लखनऊ में है, सेबी अगर रहता तब मुंबई हो जाता। ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में, यह भी सही है, केवल 2 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर ए रहा, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा है, तो यह केरल है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, नॉर्वे है। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सीएनजी से चलने वाली पहली मोटरसाइकिल लॉन्च करने का घोषणा किया,
तो राइट आंसर बजाज हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है, समान काम के लिए समान वेतन, या तो DPSP में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है, या राइट आंसर हो जाएंगे कानून के समस्त बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, या सब तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितना है, तो 11 है। कितना है? 11 है। कितना है? 11। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 10 मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल वर्णित है, आदर करना भी चाहिए। निष्ठ भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना यह भी है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना यह मूल कर्तव्य में नहीं आता है। हमारी समग्र संस्कृति मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना यह भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल किस पे है? मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अवशिष्ट सूची जो है केंद्र के पास होंगे, या कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। निम्नांकित में से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? एक बार फिर से, निम्नांकित में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? तो यह हो जाएगा महाधिवक्ता, और इसके चर्चा अनुच्छेद 165 में किया गया है। महान्यायवादी तो संघ का हो जाएगा, भारत सरकार का हो जाएगा, जिसके चर्चा अनुच्छेद 76 में किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356 और 360। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अब तक हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके हैं। कब कब? 1962, 1971 और 1975। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, और अच्छी बात भी है। यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है, तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। अगर राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब राष्ट्रपति का पद कौन धारण करता है अस्थायी तौर पर? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धारण करते हैं अल्प समय के लिए या फिर अस्थायी तौर पर। दिनांकित में से कौन सा सही दिया गया है? अध्यात्मक शासन की विशेषता है, अध्यक्षनात्मक शासन की विशेषता है, जो कि अमेरिका में है, और कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सही नहीं है। कौन सा सही है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है। ठीक है, लेने के देने पड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? लाभ के बदले हानि मिलना, लेने के देने पड़ गए। लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। राइट आंसर हो जाएंगे लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो फास्ट कर लेते हैं, फिर ज़्यादा समय हो जाएंगे। राज्यपाल के पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राइट आंसर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 हो सकते हैं। मिनिमम कितना हो सकते हैं? तो 60। और यह क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जा चुका। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोकवित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन आते हैं। ठीक है, निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में एक से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। कौन सा एक नहीं है, उल्लेख करना है? राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि यह तो उत्तरदायी है ही, कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव यह भी है,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह तो हो जाएगा 1951 से 1956। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यह हो जाएगा 1969 से 1974। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, खुद से भी देख लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश निम्न समिति ने की थी, तो नचिकेता मोरे समिति। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब आ गया आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है रेडिएटर को। ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है, ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम एन शाह की। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। स्टॉक का नियम, श्यांता जो है स्टॉक के नियम पर कार्य करता है। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, आंतरिक दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है? सर्वाधिक उत्तम चालक इसमें से एक पारा दिख रहा है और यही राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर या फिर बैरोमीटर में इसका यूज किया भी जाता है। मरीचिका का वर्णन उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? आसान प्रश्न है, सिस्मोग्राफ। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। एक्वारेजिया जो है HCl और NO3 नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 और HCl। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो भी डिटेल सर के द्वारा बताया गया वो लास्ट में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। कार्बन की मात्रा अधिकतम ढलवा लोहा में, निम्नलिखित में से और मिनिमम कहाँ होता है? तो पिटवा लोहा में। निम्नलिखित में से कौन से धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? धातु पूछा जा रहा है तो पारा हो जाता है, धातु पूछा जा रहा है तो ब्रोमीन हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? सूखा बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है ऑक्सीजन, हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम समानता यूज किया जाता है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, गोल्डन आवर का संबंध हृदयाघात से हार्ट अटैक से हो जाएगा। 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 का सी। निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी का प्रयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए ECG रहता तब हृदय हो जाता है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। BMD परीक्षण किया जाता है, BMD परीक्षण अस्थिर अंधता हेतु। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम व फास्फोरस के। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। देखते हैं जिन्हें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं उन्हें सेब खाने की सलाह दी जाती है, क्यों दी जाती है? पोटेशियम व फास्फोरस के लिए। मानव शरीर के भीतर भाग में रोग की पहचान की जाती है, भीतरी भाग में रोग की पहचान किससे की जाती है? एंडोस्कोप के द्वारा। प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक सर्वाधिक जो पाया जाता है प्रकृति में, सेलुलोज जो कि प्लांट में पाया जाता है, चीनी में सुक्रोज पाया जाता है, फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, वही ग्लूकोज जो है सरल ग्लूकोज है ये कह लीजिए। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता जबकि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम का यूज किया जा सकता है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? बिंदुसार हो जाएंगे, डायमेकस अशोक के समय, और मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किस वर्ष सिकंदर लोधी ने पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी? किस वर्ष सिकंदर लोधी से पराजित होकर के
पराजित होकर जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने बिहार में शरण प्राप्त की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में, 1498। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 93 प्रश्न इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। छोटा नागपुर खानों पर ICC ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी डिवोन थॉमस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? ICC ने प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी डिवोन थॉमस पर भ्रष्टाचार के कारण पाँच साल का प्रतिबंध लगाया गया, किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज के। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार ने विधायकों एवं विधान परिषदों का विकास राशि का कोष सालाना 3 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 4 करोड़। हाल ही में पेंशन विभाग द्वारा सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? कौन सा पोर्टल? भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है इंग्लिश से सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेविस। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तय हो जाएगा मदुरई में। तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और भी डिटेल सर के द्वारा बताया गया था उसे मैं लास्ट में देख लेती हूँ। तो चलिए इसे भी हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वीडियो लंबी बन गई इसलिए रहने देते हैं, अगले वीडियो में इसे देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्रैप पे। इस वीडियो में कौटिल्य GS का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हम लोग देखने वाले हैं। कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, फीवर लगने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये रहा, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। जी नहीं, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। बिल्कुल 1 और 3 राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, 2 सितंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कार संचालन समिति बीपी सीतारामैया। यह गलत है, कार संचालन समिति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। नियम एवं प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से और अपने भारत में भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और USA। न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो भारत और USA में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बीमा, बैंकिंग, जनगणना, यह सब संघ सूची, जबकि गैस जो है यह संवर्ती सूची में आता है, संवर्ती सूची में आता है। विषयों का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची में है। संघ सूची की चर्चा अनुच्छेद 246 और अवशिष्ट सूची 248। अवशिष्ट सूची जो है केंद्र के पास होगा, या कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। नेक्स्ट है, राज्यसभा का स्थायी सदन इनमें से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 80 का क्लॉज 1। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें
ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है। कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा डब्लू रिंग्स। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना तो याद होने ही चाहिए। तीन प्रकार के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दो प्रकार के समता की चर्चा है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता। और पांच प्रकार के स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। अभी भी थोड़ा आवाज़ जो है चेंज लग रहा होगा, बट कोई नहीं, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही क्रम कौन सा है? राज्यों को जो दर्जा दिया गया था उसके क्रम को बताना है। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में, हरियाणा को 1966 में, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था 1987 में। गोवा, मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1972 को भी याद रखिएगा, 1972 में त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उसके एक वर्ष पहले 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं, 1 नवंबर को भी याद रखिएगा, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को राज्य का दर्जा दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को राज्य का दर्जा। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड बना, इसे याद रखिएगा। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना। फिर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। 1987 में अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ गोवा, मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? थोड़ा आराम से ही चलेंगे क्योंकि थोड़ा गले में भी प्रॉब्लम है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 हो जाएगा। दो, सिद्धि से संरक्षण अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग भेदभाव के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 19 में व्यक्ति की स्वतंत्रता। सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है। सेवा का अधिकार GST की बात हो रही है तो कनाडा हो जाएगा। यह कहाँ से लाया गया? कनाडा से ही लाया गया है। इसे जोड़ा गया था कब? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा संशोधन किया गया। और इसे लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को केलकर समिति के सिफारिश पर। निम्न से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य है? वन्य प्राणी तो यह आ जाएगा DPSP में, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 48 का क्रम में किया गया है। ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज ही एक दिख रहा है, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। हमारे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था तपस मजुमदार समिति के सिफारिश पर। ठीक है, वर्मा समिति को भी ध्यान रखिएगा। वर्मा समिति 1999 में आया था और यह मूल कर्तव्य के परिचालन के लिए लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना कर लगाने वाला विधेयक विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 117 हो जाएंगे। संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साइंस से क्वेश्चन दिया गया है। दाब का डाइन नहीं होगा, दाब का पास्कल होगा ना कि डाइन होगा। कार्ष का जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के अचानक गायब होने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या होगा? पृथ्वी से अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से गायब हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या देखने को मिलेगा? वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा,
द्रव्यमान तो कभी बढ़ता घटता है नहीं, स्थिर ही रहता है। किसी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ जाए तो आवर्त समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि पेंडुलम की प्रभावी लंबाई 4 गुना बढ़ जाए तो आवर्त समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। टी इक्वल टू 2π अंडर रूट L/g। तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान बढ़ने से गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जानते होंगे बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, बादल वायुमंडल में निम्न के कारण तैरते हैं। बादल वायुमंडल में निम्न के कारण तैरते हैं तो कम घनत्व के कारण तैरते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में, द्रवों की श्यानता जो है तापमान बढ़ने पर, द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर कम हो जाती है। पूरी तरह से साफ बेदाग रातों की तुलना में बादलों वाली शाम गर्म होती है क्योंकि बादल जो है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को वापस लौटा देता है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, बादल जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। बिजली की खपत किसकी माप पर आधारित होती है? बिजली की खपत किसकी माप पर आधारित होती है? किलो वाट आवर, KWH, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। वाट किसका है तो शक्ति, शक्ति का वाट हो जाएगा। प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, धारा का एम्पीयर होगा। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोहरा जो है गैस में द्रव है, द्रव में गैस कोल्ड ड्रिंक हो जाएगा जिसमें CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। गैस में ठोस उदाहरण हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु, तो राइट आंसर हो जाएंगे प्राकृतिक तत्व में ही। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है, तो और कोई नहीं CO2 गैस ही होगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। इस मापते हैं किससे? तो कैरेटोमीटर से मापते हैं। 24 कैरेट का भूसा नहीं बनाया जाता है, इसमें तांबा मिलाया जाता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किरोसिन में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? बताएंगे मस्टर्ड गैस। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को छांटना है। कॉर्क ओक वृक्ष की छाल, हिंग हिबिया पौधा, कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, कथा एक्सिया पौधे की लकड़ी से, थीन चाय की पत्तियों से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? आसान प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। कोशिका भित्ति में सेलुलोज पेक्टिन और लिग्निन पाया जाता है, वही कवक के कोशिका भित्ति में काइटिन पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में पूछ जो है कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदान्त्र से, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? विटामिन सी मदद करता है लौह, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहते हैं, कमी से एस्कॉर्बिक रोग होता है, घाव भरने में मदद करता है, और सोडियम ब्लड प्रेशर में। बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? ब्रायोफिल्म में बात हो रही है तो ब्रायोफिल्म में राइट आंसर हो जाएगा पत्ते के द्वारा, पत्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है,
जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दिया था? तो हॉगियो डी ब्रिज ने, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हॉगियो डी ब्रिज। एमनियोसिंथेसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। तंबाकू में पर्ण कुंचन रोग किससे होता है? तंबाकू में पर्ण कुंचन रोग किससे होता है? TMV, टोबैक मोजाइक वायरस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, यह है धान का। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन। किसने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था? किसने ब्राह्मणों और भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी? और किसी का नहीं, अशोक का ही था। इसने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपनाया था, जिसकी चर्चा चौथे शिलालेख में किया गया है। अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा? अपने प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा? कौटिल्य ने। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी, दक्षिण एशिया, दक्षिण उत्तरी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? यह फंसाने वाला क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए थे? तो 60,000, 60,000। 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 1934 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, हालांकि बीच में स्थगित भी हुआ था। षट दर्शन किससे कहा जाता है? षट दर्शन किसे कहा जाता है? आस्तिक दर्शन को। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? बलिदान सूत्रों का संग्रह है अथर्ववेद। आरण्यक शब्द का अर्थ होता है आरण्यक, अरण्य में पढ़ने योग। अथर्ववेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में कोमाभाटा मारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कामागाटा मारू नाम था, कामागाटा मारू घटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। इसने पंजाब में विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी, यह गदर आंदोलन को बढ़ावा देने के कारणों में से एक था। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल को गदर आंदोलन का नेतृत्व, यह एक भारतीय स्टीम शिप था जो पंजाब लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ था। यहाँ पर सुधार करिए, कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। यह एक भारतीय स्टीम शिप था जो पंजाब से लोगों को लेकर कनाडा के लिए रवाना हुआ था। राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेतृत्व किसने किया था? गुरदीप सिंह। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में संध्या, युगांतर एवं काल थे। संध्या, युगांतर एवं काल क्या थे? तो क्रांतिकारी पत्रिका थी, क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाला समाचार पत्र और पत्रिका थी। बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने ही, सैनिकों के लिए। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। स्थापत्य काल का स्वर्ण युग शाहजहां। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? एतमाद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो यह मिर्जा ग्यास वे का, जो कि नूरजहां के पिता थे। राइट आंसर हो जाएंगे जहांगीर से। और है कहाँ यह? तो यह हो जाएगा आपका आगरा में, और पहली बार इसमें पिता दुरा का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? पाटलिपुत्र से है। शून्य की खोज इन्होंने की थी, इनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम, जो कि गणित से संबंधित है। पाई का मान इन्होंने दिया था। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है।
सूर्य सिद्धांतिकार किसका है? तो आर्यभट्ट का ही है, जो कि खगोल विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित अभिलेखों में किससे कालिदास का नाम मिलता है? निम्नलिखित अभिलेखों में किससे किसमें कालिदास का नाम मिलता है? एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख है किसका बताइएगा? पुलकेशिन द्वितीय का है एहोल अभिलेख। भानुगुप्त का है एरन अभिलेख। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से है। 57 का आंसर मैं टिक कर देती हूँ, राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 58 राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 58 का डी होंगे। 59 ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 61 को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 62 ऑप्शन नंबर बी। 63 को देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 322। ऑप्शन नंबर डी 64 नंबर का 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं के याद में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? आयन मंडल। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 अगस्त को। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 2011-21, इसलिए इसे विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। बोगोटा किस देश की राजधानी है बताइएगा? बोगोटा किस देश की राजधानी है? कोलंबिया की राजधानी है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत है मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ जाना और मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं। भूगर्भ जियोग्राफी हो जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी यह कहाँ है? तो हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद। लक्षद्वीप समूह कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? इसमें टोटल 36 द्वीप है। 36 द्वीप में से 11 द्वीप पर ही मानव निवास करते हैं। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मरकद्वीप। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था जो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके जनक जे एम किन्स माने जाते हैं, जे एम किन्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ, वही समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक रॉबर्ट ओवेन माने जाते हैं। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो खमसिन कहा जाता है। मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? खमशीन। अरब में बहने वाले पवन को शिमुक कहा जाता है, अरब प्रायद्वीप में बहती है शिमुक। बोरो जो है यह इटली में बहने वाली पवन है। हरमटन को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति। इनमें से किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? अगर यहाँ पे कार्बन की मात्रा सर्वाधिक रहता तो एंथ्रासाइट हो जाता। इनमें से किस प्रकार के कोयले की मात्रा सर्वाधिक होती है? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिटुमिनस। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। एंथ्रासाइट कोयला हमारे भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, थोड़ा बहुत मिलता है तो कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एंथ्रासाइट कोयला सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत की औसत परिवर्तन। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर सड़कों के किनारे पेड़ पौधे लगाने से है और यह लगाए जाते हैं ध्वनि प्रदूषण के लिए। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए। रंगराजन समिति का संबंध किससे है? रंगराजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी।
किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही किया जाता है। भारत में पहली बार मूल एवं संबंधित कर कब लागू हुए? मूल एवं संबंधित कर मेरे ख्याल से वैट की बात हो रही है, और यह लागू हुए थे 2005 में। 2005 कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? कंचनजंगा यह तो आता है आपका बृहद हिमालय के अंतर्गत, सिक्किम में है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण। इनमें से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है तो क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह संबंधित हो जाएगा ओजोन से, 16 सितंबर 1987 ओजोन संरक्षण से है। वियना सम्मेलन 22 अप्रैल 1992 रियो डी जेनेरो। एक मिनट, रियो डी जेनेरो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन था जो कि 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन को ध्यान रखिएगा, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरो में। बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात यह हो जाएगा टोंस नदी पर। आई थिंक यह उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेट को वर्ष 2024 का एवेल पुरस्कार मिला है, जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? एवेल जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार फ्रांस के मिशेल टेलाग्रेट को दिया गया है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? लार्सन एंड टूबो के द्वारा। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? लार्सन एम टूब्रो के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया या किस राज्य में है? उदयगिरी गुफा यह कहाँ है? तो यह उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। हाल ही में FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? FATF अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो हुई है एलिसा दे एंड्रा दोजेक। हाल ही में किस राज्य में सड़क संबंधी के लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश। किस देश ने पहली बार पूर्ण पासपोर्ट पेश किया है? स्पेन। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं बताइएगा? ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 29। भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग मिला है? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग दिया गया है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? गौरव पांडे को। 96 नंबर, कांस फिल्म महोत्सव से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अनसुईया सेन गुप्ता। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन हेलीकॉप्टर से दुर्घटना हो गया है? ईरान के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रॉस से इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश से चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस सीता इज प्रेटी मीना इज प्रेटी। इसका राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए। मैं आंसर ही सीधे टिक कर देती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने का। और लास्ट प्रश्न का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।